देश में बुधवार को तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 69 पैसे और डीजल की कीमत 2 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई है। देश में बुधवार को तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। दिल्ली में आज पेट्रोल 70 रुपए 29 पैसे और डीजल 63 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर हो गया है। नागपुर शहर में आज पेट्रोल का भाव 76 रुपए 49 पैसे जबकि डीजल का भाव 66 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 72 रुपए 98 पैसे, 75 रुपए 99 पैसे और 73 रुपए 2 पैसे है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में 1 लीटर डीजल के लिए लोगों को क्रमशः 65 रुपए 35 पैसे, 65 रुपए 97 पैसे और 66 रुपए 48 पैसे चुकाने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन का मानना है कि 2020 में कच्चे तेल की मांग में कमी आने की वजह से इसकी कीमतों में कमी आ रही है। सऊदी अरब और रूस के बीच ऑयल प्राइस वॉर छिड़ने से सोमवार को कच्चा तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार में 31% तक टूट गई थी। इससे भारत को वित्तीय लाभ हो सकता है क्योंकि हमारा देश पेट्रोलियम ईंधन के लिए काफी हद तक आयात पर ही निर्भर करता है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती है। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दुगुना हो जाता है।